जान से माथे को चूमकर, गले से लगाकर इशिता ने रूही को ममता के आंचल में छुपा लिया। रूही भल्ला हाउस लौट करके आई, इशिता को तो मानो दुनिया मिल गई। वरना आंख मिचौली के ट्विस्ट ने तो कुछ पल के लिए रूही को गुम ही कर दिया था, लेकिन ऋषिमा ने उसे ढूंढ ही लिया और ऑल इज वेल हो गया। ये गलती से सब कुछ ठीक हो गया, मतलब सोचा भी नहीं था कि रूही गुम जाएगी और मुझे अचानक रूही मिल जाएगी, है ना? कैसे गलती से सब कुछ ठीक हुआ ना हमारे शो में, अचानक रूही भी आ गई, आदि भी हो गया, आ गया, मतलब आज कुछ बहुत ही ऑस्पिशियस डे डेफिनेटली। बहुत अच्छी फीलिंग है। तो ऋषि माँ तुमको पायसम खिलाएंगी और इडली सांभर खिलाएंगी। या सेलिब्रेशंस, है ना? कांग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। भल्ला हाउस में एक नहीं दो दो खुशियां आई है। आदि भी घर वापस आ गया, लेकिन खुशियों को नजर लगाने आधम की शगुन। उसने रूही को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन रूही के साथ साथ आदि ने भी उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। मैं नहीं जाऊंगी, मैं जजानी को बोल दूंगी, आप मुझे इधर से उधर करते रहते हो, इश्मा के साथ रहना है। बच्चों को अपनी मामा के पास रहना चाहिए ना, मैं यही रहूंगी। मजा आ रहा है आदि और रूही को दोनों को साथ देखकर, दोनों यहाँ पर हैं और अभी तो आदि ने भी बोल दिया है कि वो इशिता और हमारी पूरी फैमिली और रमन के साथ रुकना चाहता है, मम्मी पापा के साथ, तो अच्छा लग रहा है। और तो और रूही तो अपनी इशिमा के लिए शगुन से बिंदास भिड़ गई। वही रूही और आदि के वापस आने से सारे घर वाले हैप्पी हैप्पी है। लेकिन इसी के साथ सीरियल में एक ऐसा शख्स भी एंट्री मार चुका है जो इशिता और रमन के प्यार को नजर लगाएगा। ये है सुपु यानी अमित टंडन, जिनसे इशिता की शादी होने वाली थी। इसके इरादे से बेखबर इशिता तो रूही के साथ मगन है और ये जानने में जुटी है कि आखिर उसकी नन्ही सी रूही छिप कहाँ गई थी। मैंने इश्मा का टेस्ट लिया था, मैंने अपनी फेवरेट चीज रोड पे फेंकती गई। हम तो यही चाहेंगे, लेकिन सवाल ये कि क्या शगुन और सुबु ऐसा होने देंगे।